गर्मियों में ये तीन बीमारी बन सकती है मौत की वजह। दोस्तों, गर्मियां अपने चरम पर हैं। इस समय देश के कई इलाकों में तापमान बढ़ रहा है। गर्मियों के साथ ही बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। ऐसे में अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। दुनिया में हर साल सर्दियों और गर्मियों में 50 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। रिसेंट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 83,000 से ज्यादा लोग गर्मी की वजह से दम तोड़ देते हैं। साथ ही भारत में हर साल 15 लाख से ज्यादा लोग खराब खाने यानी कि फूड पॉइजनिंग से मारे जाते हैं। साथ ही भारत में हर साल 1 से 2 करोड़ लोगों को टाइफाइड होता है और हर साल 1,50,000 लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों, ऐसे में गर्मियों के मौसम में अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। गर्मियों में आपको क्या बीमारी होने का ज्यादा खतरा है, इसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। साथियों, गर्मी के इस मौसम में सबसे बड़ी समस्या डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी होना है। डिहाइड्रेशन इतना खतरनाक है कि इससे हार्ट के फंक्शन पर असर पड़ जाता है, जिससे मौत होने का खतरा रहता है। गर्मी के इस मौसम में सबसे ज्यादा मामले डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी के ही होते हैं। हीट वेव की वजह से हुए हीट स्ट्रोक के कारण भी ऐसा होता है। हीट स्ट्रोक की वजह से शरीर में कमजोरी, अचानक से बेहोश होना और थकान जैसी समस्या हो सकती है। हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए जरूरी है कि शरीर में पानी की कमी न होने दें। घर से बाहर जाते समय अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें और हर 2 घंटे में पानी पीते रहें। अगर आप धूप में हैं तो सिर को कपड़े से ढक कर रखें। इस दौरान धूप का चश्मा भी लगा कर रखें। ज्यादा देर तक धूप में न रहें और अपनी डाइट में तरबूज, खरबूज जैसे फलों को शामिल करें। अब हम आपको बताएंगे कि गर्मी की वजह से किन बीमारियों का ज्यादा खतरा है। दोस्तों, गर्मियों में सबसे ज्यादा लोगों को फूड पॉइजनिंग की समस्या होती है। गर्मी के मौसम में पेट खराब, उल्टी और दस्त की समस्या काफी बढ़ जाती है। कई लोगों को लगातार दस्त की शिकायत होती है। ऐसा फूड पॉइजनिंग की वजह से होता है। गर्मी के मौसम में समस्या बेहद आम है। इस मौसम में खाना जल्दी खराब हो जाता है। खाने में कई तरह के बैक्टीरिया भी पनपने लगते हैं। ऐसा खाना खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इसकी वजह से उल्टी, दस्त और पेट खराब की समस्या हो जाती है। ऐसे में जरूरी है कि गर्मी में बहुत देर तक रखा हुआ भोजन न खाएं। कोशिश करें कि बाहर के स्ट्रीट फूड से भी परहेज करें। साथियों, गर्मियों में टाइफाइड होना भी आम सा हो गया है। गर्मी के इस मौसम में टाइफाइड के भी काफी केस सामने आते हैं। खास तौर पर बच्चों में ज्यादा मामले देखे जाते हैं। ये बीमारी खराब खान पान की वजह से होती है। टाइफाइड का कारण भी बैक्टीरिया ही है। इस बीमारी में बुखार होने के साथ सिर दर्द, उल्टी, दस्त और थकान की समस्या होती है। कुछ समय से टाइफाइड के मामले भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस बीमारी से बचाव करना बहुत जरूरी है। टाइफाइड से भी बचाव के लिए आपको बासी खाने और स्ट्रीट फूड से परहेज करना ही होगा। साथियों, ज्यादा गर्मी आपकी आंखों के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। गर्मियों के दौरान चल रही लू आंखों में इन्फेक्शन कर सकती है। तेज धूप के कारण आंखों का कॉर्निया खराब हो सकता है। अगर लगातार धूप में रहते हैं तो इससे आंखों में समस्या होने का खतरा रहता है। गर्मी से आंखों को बचाने के लिए आप बाहर निकलते समय चश्मा जरूर लगाएं और दिन में 3 से 4 बार आंखों को ठंडे पानी से धोते रहें। दोस्तों, तेज गर्मी आपकी सेहत को नुकसान दे सकती है। ऐसे में गर्मी के मौसम में खुद का बचाव करें और लगातार पानी पीते रहें, ताकि आप किसी भी तरह की बीमारी से बचे रहें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।